सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। जीवन शैली में परिवर्तन लाकर हमारे रूप में स्वीकार करने की दिशा में कार्य करेंगे। सभी साधक आज पांचवा योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 177 देशों में मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर योग सिखाने का काम किया है, उससे भारत की संप्रभुता, भारत की प्रतिभा, भारत का सम्मान दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और आज हमारे भारतवासी हर जगह, पहले हम लोगों ने जिला मुख्यालय में पिछले वर्षों हुआ था, लेकिन इस बार जिस तरीके से मुझे उत्तर प्रदेश के बारे में जहाँ तक जानकारी है, आज लोग ब्लॉक स्तरों में, गांव में, सब जगह अपने अपने स्तर से सरकारी संसाधनों के बावजूद भी व्यक्तिगत तरीके से भी लोग इस योगाभ्यास के लिए शुरुआत किया है। लोगों को इस पर रुचि बढ़ी है, लोगों को ऐसा महसूस होता है कि योग करने से हम स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे और हमारी आत्मा, मन, मस्तिष्क पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। उत्तर प्रदेश में लगभग सभी जेलों में योगाभ्यास किया गया है और अभी मेरे आपके कार्यक्रम के बाद कहीं नहीं हुआ इसकी जानकारी अभी मुझे नहीं है, लेकिन पूरे प्रदेश की सभी जेलों में योगाभ्यास किया गया है। और स्थिति वही है, अब उसके बाद ये घुटने को इस तरह से ले जाना है और आपके जो आप दोनों पैरों को सटा लीजिए, जल्दी कर लीजिए सर, देखिए हमको देखो, यदि आपके इसमें आप लोग थक गए हैं तो इसको ऐसे ले जाओ, मगर शांतपूर्ण स्थिति में, शांतपूर्ण स्थिति में मेरा मेरा स्वयं का विकास संभव है, विकास संभव है। सचान मैडम हमारे बीच में है, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि यहाँ उनका आसन है वो मनस्चक सारे चक्रों को जगा सीधे ये करते, ठीक है। इस वज्रासन को भोजन के बाद किया जाता है और इसको आप करिए, गर्दन के पूर्व की स्थिति में आ जाए, पुनः उसी स्थिति में आ जाए, एक बार 6-7 एक बार यहाँ आके मैं अभ्यास केवल 45 मिनट का है, स्वल्पाहार हम बाहर कोई नहीं घूमे, पीछे जो खड़े हैं और जो खा रहे हैं उनको भी खड़े रहने हैं। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।